नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे। मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशियाना में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं बेलतला अजंतापत एरिया में। अगर आपका रिक्वायरमेंट है बेलतला अजंतापत में एक 2 BHK का रीसेल प्रॉपर्टी, सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी का, तो ये वीडियो है दोस्तों आपके लिए। इस प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं इस लोकेशन के बारे में। दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल हॉटस्पॉट पे है। मेन सेंटर्स, मेन जो लोकेशन है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है। जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 6 माइल हो गया, गणेशगुरी हो गया, दिसपुर हो गया, उसके बिल्कुल नियर बाई है। इस तरफ हो गया हमारा भेटापारा हो गया, हाथीगांव हो गया, ये सब लोकेशंस के बिल्कुल नियर बाई पर जाता है ये लोकेशन। अगर हम बात करें सिटी सेंटर, सेंट्रल मॉल, हार्डली 1 to 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं सिटी सेंटर, बस सिटी सेंटर, सेंट्रल मॉल का। बात करें हॉस्पिटल्स का, भगवान कभी ना करे आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल भी बिल्कुल नियरिंग डिस्टेंस में है। जैसे कि GNRC हॉस्पिटल और डाउनटाउन हॉस्पिटल बिल्कुल नियर बाई डिस्टेंस में, हार्डली 1 to 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर आपको हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो जाते हैं। बात करते हैं स्कूल्स का, स्कूल्स भी दोस्तों 1 to 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर सारे स्कूल्स दोस्तों अवेलेबल हो जाता है। और ग्रोसरीज बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है। अभी हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, यह है G+3 मॉडल का प्रॉपर्टी है। इन टोटल 11 यूनिट्स का है। ये 3 साल पुराना प्रॉपर्टी है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेकंड फ्लोर पे 1027 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप में सेमी फर्निश्ड 2 BHK। अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर एरिया में। आइए मेरे साथ, अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ हमारा ऑटोमेटिक लिफ्ट और पर फ्लोर 3 यूनिट है। राइट में एक यूनिट है, लेफ्ट में एक यूनिट है और मेरे पीछे एक यूनिट है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाला यूनिट। आइए मेरे साथ, आप एंट्रेंस को देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से माइका लगा के प्रेजेंटेबल बना लिया है। आइए मेरे साथ, आप एंटर कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, आप एग्जिट करेंगे ईस्ट की तरफ और ये प्रॉपर्टी है फुल्ली वास्तु कंप्लाइंट। आइए मेरे साथ अंदर आइए। अगर हम बात करें इसका डायमेंशन का, तो डायमेंशन है दोस्तों 26x10.6 का। लंबाई जो है लिविंग कम डाइनिंग, यहाँ से लेकर उतना तक लिविंग कम डाइनिंग का आपका डायमेंशन है 26 और चौड़ाई जो है वो है 10.6 का। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना सेटअप बना लिया है। और दोस्तों, ये सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ से बस ये सोफा और ये डाइनिंग टेबल जाएगा और बाकी जो रूम्स का है मैं वो आपको दिखा दूंगा। बस ये लिविंग कम डाइनिंग में ये सोफा सेट और ये डाइनिंग टेबल आपका नहीं रहने वाला है, बाकी जो लाइट्स है, लाइट फैन सब आपका रहने वाला है। और आप जैसे कि देख सकते हैं लिविंग कम डाइनिंग में काफ़ी एलिगेंट तरीके से उन्होंने सजा लिया है और ये वॉल मोल्डिंग वगैरह करके भी काफ़ी इस घर को एक एस्थेटिक लुक देने का कोशिश किया है। और ये प्रॉपर्टी का मैं फ्लोर प्लान में आपको बता देता हूँ। जैसे एंटर करने के बाद ये बटरफ्लाई डिज़ाइन में ये फ्लैट है, टुवर्ड्स माय राइट एक बेडरूम है, टुवर्ड्स माय लेफ्ट और एक बेडरूम है। ये है फुल्ली वास्तु कंप्लाइंट। वास्तु कंप्लाइंट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। आप एंटर करेंगे ईस्ट वेस्ट की तरफ, आप एग्जिट करेंगे ईस्ट की तरफ, मास्टर बेडरूम जो है क्लाइंट ने अपना मास्टर बेडरूम इस तरफ बना लिया है। बट मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से, अगर हम वास्तु के हिसाब से बोले तो मास्टर बेडरूम इस तरफ है। यहाँ पे अटैच बाथरूम भी आपका अवेलेबल है, हालांकि दोनों ही बेडरूम में आपका अटैच बाथरूम है। साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, साउथ ईस्ट पे आपका किचन है। आइए मेरे साथ, अभी हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे किचन को। दोस्तों, दिस इज आवर किचन। मैं थोड़ा सा डायमेंशन का मैं मदद ले रहा हूँ। अगर हम बात करें डायमेंशन का, तो डायमेंशन है 8.7x8.6 का। जो ओपन एरिया आपको मिल जाता है, फंक्शनल एरिया जो है वो 7x6 का है। लंबाई 7, चौड़ाई 6 का आपको मिल जाता है। किचन में आपको ये बस फ्रिज नहीं मिलेगा, बाकी आपका फुल्ली मॉड्यूलर है। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं दिस आर हाइड्रोलिक फिटिंग्स, ऑल ऑटोमेटिक तरीके से आपका ये बंद हो जाता है। काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। दोस्तों, कहने को तो ये प्रॉपर्टी 3 साल पुराना है, लेकिन क्लाइंट कभी कभार ही इस प्रॉपर्टी में रहने आते हैं। क्लाइंट इज फ्रॉम गुवाहाटी, बट वो बाहर रहते हैं फॉर देयर जॉब पर्पस। तो गुवाहाटी जब भी आना पड़ता है तभी ओनर रहता है और ओनर यूज़ करता है। आप देख सकते हैं एल शेप में आपका प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ से आपका 2 feet या 4 feet का आपका टाइल्स है, चिमनी आपका लगा हुआ है, आपका एल शेप में आपका जो इंटीरियर है, जो स्टोरेज है वो आपका बनाया गया है। और इस तरफ है आपका सिंक एरिया। प्लीज़ आइए और एक बार देख लीजिए, सिंक भी आपका काफ़ी चौड़ा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 24x18 का आपका 24x18 inches का आपका ये सिंक होने वाला है। आइए मेरे साथ, अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के तरफ। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लाइंट ने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना घर को सजा लिया है। जैसे कि ये आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं।
जब आपको डोर नहीं चाहिए, जैसे कि आपको बंद करना है, तो इसको अब इन्होंने ऐसे फोल्डेबल बना लिया है, और ऊपर से भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये डिज़ाइन वगैरह भी कर दिया है, क्योंकि किचन ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा है, तो उन्होंने फोल्डिंग डोर बनवा लिया है। आइए मेरे साथ। और दोस्तों अगर हम बात करें हाइट का, तो दोस्तों हाइट है 9 फीट का, वॉल सीलिंग नहीं किया है, सेकंड फ्लोर में वॉल सीलिंग ज़रूरी भी नहीं है, उन्होंने बहुत स्टैंडर्ड तरीके से उन्होंने बनवा लिया है, और लिविंग कम डाइनिंग के साथ हमें मिल जाता है एक बैल्कनी, प्लीज़ चेक इट आउट। अगर हम बात करें डायमेंशन का, तो डायमेंशन है 6x4 का। आप इस तरफ आप लंच करेंगे, और यहाँ है आपका बेसिन, यहाँ आप हाथ वाथ धोने के लिए, और यहाँ आप अपना गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बेल्कनी में उन्होंने एक्सटेंडेड तरीके से ग्रिल भी लगवा लिया है, सेफ्टी फुल्ली सेफ्टी है दोस्तों। अब अभी हम चलेंगे इस बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेडरूम है, बट ओनर इज यूजिंग एज द गेस्ट रूम है। दोस्तों इस बेडरूम का डायमेंशन है 12x12, इसमें से जो वार्डरोब्स वगैरह है वो सारा आपका जाने वाला है। हाइट की अगर हम बात करें, तो 9 फीट का आपका हाइट है, एसी कनेक्शन दिया हुआ है, नेसेसरी स्विच बोर्ड्स वगैरह है, और इस बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है एक बेल्कनी। अगर हम बात करें डायमेंशन का, तो डायमेंशन है 8x4 का, लंबाई 8 है, चौड़ाई आपका 4 फीट का है, कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा है, फुल्ली वेंटिलेटेड है, एरी है दोस्तों। आपको साउथ और वेस्ट का जो हवा है वो आपको इस एंगल से आपको मिलेगा। आइए, और क्लाइंट, सिंस क्लाइंट ने अपना जो घर, जो रूम है, जो बेडरूम है, उस तरफ बनवा लिया, तो उन्होंने एक वॉशिंग मशीन का भी पॉइंट इधर लगवा लिया है दोस्तों। ये है हमारा फर्स्ट वॉशरूम, जिसका डायमेंशन है ऑलमोस्ट 8x5 का, लंबाई 8 है, चौड़ाई आपका 5 फीट का है। जैसे कि आप देख सकते हैं गीजर पॉइंट्स वगैरह भी है, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं, और टाइल्स वगैरह भी अगर आप देखें तो काफ़ी वेल डिज़ाइन टाइल्स है, स्टैंडर्ड टाइल्स है। ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि यार बहुत अजीब सा टाइल्स है, बहुत सुंदर सा, बहुत क्लीन तरीके से आप जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन बाथरूम है दोस्तों। चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम के तरफ, आइए मेरे साथ। दोस्तों ये एक ऐसा रूम है, आपको दूर से बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना डोर वगैरह डिज़ाइन कर लिया है। इसको बस पुश करेंगे, हम एंटर कर रहे हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ, आइए मेरे साथ। इसको हम बंद कर देते हैं, एंड एंटर करते ही आपका इस तरफ एक वार्डरोब है, वार्डरोब मैं नहीं खोलूँगा, उनका सामान शायद है, और इस तरफ है हमारा अटैच्ड बाथरूम, जिसका डायमेंशन है 10x4.5 का, 10x5 का डायमेंशन है दोस्तों। इसमें आपका गीजर वगैरह फिट किया गया है, और आप एंटर कर रहे हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। अगर हम बात करें डायमेंशन का, पहले हम बात करते हैं डायमेंशन का, डायमेंशन है 13x11 का, लंबाई जो है वो 13 है, सॉरी जो चौड़ाई है वो 13 है, और लंबाई आपका 11 है। उन्होंने बेड अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, और ये जो वार्डरोब आपको दिख रहा है, 2, 3, 4, 5 डोर का जो वार्डरोब है, ऊपर भी आपका स्टोरेज है, ये वार्डरोब आपको मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम में लाने लायक बस आपका बेड है, और ये साइड टेबल है, बाकी आपको एसी वगैरह सब आपको मिल जाता है, और ये वार्डरोब भी दोस्तों आपको मिल जाता है। डायमेंशन मैंने बता दिया 13x11 का है, और सफिशियंटली आपको मिल जाता है, देखिए 4 फीट का आपको गैप मिल जाता है फ्रॉम योर बेडरूम, ये सॉरी फ्रॉम योर बेड, ये है क्वीन साइज बेड, क्वीन साइज बेड से वार्डरोब का जो स्पेस है वो 4 फीट का है, और इस तरफ भी आपका लगभग 3 फीट का आपको एरिया मिल जाता है, और इस तरफ भी मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार नज़र आप घुमाइए, यहाँ भी आपको लगभग 1.5 फीट का आपको एरिया मिल जाता है दोस्तों। और इस तरफ है हमारा एसी कनेक्शन, उन्होंने कर्टेंस वगैरह लगा के रखा हुआ है, और एल्स ये रूम भी काफ़ी एरी है दोस्तों। और इस बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है ये टीवी एज वेल, वन प्लस का टीवी है, मैं वन प्लस का हम ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, बट ये बेड चला जाएगा, टीवी मिलेगा आपको, वार्डरोब मिलेगा, और ये यूनिट शायद जाने वाला है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक लंबा सा मिरर फॉर योर वाइफ और गर्लफ्रेंड टू डू द वैनिटी एंड ऑल। दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आइए अभी हम बात करते हैं इसका प्राइस के बारे में। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यह है G+3 मॉडल का प्रॉपर्टी है, सेकंड फ्लोर पे अवेलेबल है, बेलताला अजंता पथ में है, मेन रोड से हार्डली 200 मीटर्स डिस्टेंस में है। G+3 मॉडल पे सेकंड फ्लोर में 1027 स्क्वायर फीट का 2BHK मिल जाता है, फुल्ली वास्तु कंप्लाइंट है, ईस्ट वेस्ट एंट्री एग्जिट है, साउथ ईस्ट पे किचन है, साउथ वेस्ट पे मास्टर बेडरूम है,
मेंटेनेंस 2000 पर मंथ है, आस्किंग है 65 लैक्स इंक्लूडिंग पार्किंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नो जीएसटी, यू जस्ट हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन। If you are interested in this property, you can contact us in the number given below. दोस्तों ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, अगर आप देख रहे हैं गुवाहाटी में एक सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी, कोई झंझट नहीं चाहिए, सीधा पैसा देना है, आना है, रहना है, then this is one of the best property you can invest in. दोस्तों मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, किराया पराया है, EMI अपना है, ये घर को आप अपना बना सकते हैं, ये कीज़ को आप अपने अपना बना सकते हैं just by giving 65 lakhs and this price is negotiable. If you are interested, contact us in the number given below. Thank you, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में. Bye bye.